मथुरा गिरिराज तलहाटी गोवर्धन के अन्योन परिक्रमा मार्ग में स्थित रामानंद आश्रम में मनाया गया 72वां गणतंत्र दिवस। वहीं आश्रम के अध्यक्ष पंडित राकेश चतुर्वेदी, सत्यम चतुर्वेदी और स्थानीय पत्रकारों द्वारा किया गया ध्वजारोहण और भारत माता के जयकारे लगाए गए। वहीं सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। दुबई में जॉब करने वाले सत्यम चतुर्वेदी ने बताया कि हम दुबई में जॉब जरूर करते रहते हैं फिर भी, मगर अपने देश में आकर जो शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत ही अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मैं सत्यम चतुर्वेदी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? मैं दुबई रहता हूँ, दुबई में जॉब करता हूँ। बेसिकली मैं अपना रामानंद आश्रम गोवर्धन में ही रहता हूँ। अच्छा, आप यहाँ 26 जनवरी पर आपने झंडा फहराया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस अपने देश के लिए, क्योंकि हम दुबई में जॉब करता हूँ पर इंडिया आके जो अपनी फीलिंग आती है वो अपना, मैं यही चाहता हूँ, कल्पना करता हूँ कि हमारा भारतवर्ष बिल्कुल नई ऊंचाइयों को मोदी जी के अपने नेतृत्व में, अपना राम मंदिर, अपना इंडिया सोने की चिड़िया बने, यही मेरी बस कामना है। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम राकेश चतुर्वेदी है। आज 26 जनवरी के पर्व पर 72वें गणतंत्र दिवस पर आज श्री रामानंद आश्रम में यहाँ झंडारोहण किया गया है और शहीदों के लिए श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं और यही आशा करते हैं कि हमारा भारत देश महान हो और इसमें सबसे ज़्यादा संत ब्राह्मण गऊ इनकी जो ना रक्षा हो, बस यही चाहते हैं। जय श्री राम।